अजय कुमार वाल्मीकि। क्या मामला है? मामला ये है कि बहुत दूषित पानी आ रहा है, कई महीने से बगैर बरसात के काला पानी आता है, कीड़े वीड़े भी आते हैं इसमें, और आज तो कई दिनों से इतना दूषित पानी आ रहा है कि इसमें जैसे गोबर की स्मेल होती है, खाद जैसी आती है, तो ना तो कोई घर में पी रहा है, पीना तो छोड़ो नहाने के लिए भी परेशान है बच्चे। इस गर्मी में ऐसी महामारी इस पानी से फैल सकती है कि शायद मैं बता भी नहीं सकता हूँ। माननीय नगर आयुक्त जी के लिए भी मैं एक दे के आया हूँ ज्ञापन, माननीय जिला अधिकारी के यहाँ भी दे के आया हूँ, और मैं मीडिया से भी अनुरोध करता हूँ कि मीडिया इसको बहुत बढ़िया तरीके से, जलकर विभाग जो है बहुत बड़ी लापरवाही कर रहा है, मैं बरसों से इसे अवगत करा रहा हूँ। पाइप लाइन कहीं फटी है या टूटी है कुछ भी, उसको ज्वाइंट नहीं करा रहे हैं, रिपेयर नहीं करा रहे हैं, ये कई दिन हो गए, लगभग हो गए तो 15 दिन से भी ज़्यादा होगा। मगर इस पर मैं कंप्लेंट इसलिए नहीं कर रहा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। मैं श्रमिक मंच का जिला अध्यक्ष हूँ, अपना दल एस का, महर्षि वाल्मीकि सेना का बरेली मंडल, बरेली का मंडल अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जलकर विभाग से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस कार्यों को सिद्ध कराया जाए, जिससे आम जनता के अंदर किसी भी प्रकार की बाढ़ है हमारा साथ भीड़भट्टी लगता है। सुभाष नगर तिलक कॉलोनी वाल्मीकि बस्ती, उसमें गंदा पानी आ रहा है, और घर में लोगों को इतना नहीं, जिनके आरो लगा हुए हैं वो लोग भी अपने घरों में पानी नहीं पी पा रहे हैं। क्यों नहीं पी पा रहे कि इतना पानी दूषित है? आप लोगों ने अभी इसकी महक सुनी होगी पानी के, कितना दूषित है ये पानी, मैं इसीलिए स्वयं लेके आया हूँ।